तो भाई चेक कर लो, हमने जो है इसके म्यूजिक सिस्टम हमने प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया और क्लियर। असल 83 की जो है ना इसकी आईसी है, अगर मतलब किसी भी भाई ने लगाना है ना अपने स्कूटर के अंदर तो वेलकम टू ड्रीम मोटर्स फॉर द कैसिप नी यूट्यूब फैमिली। आपके बहुत बढ़िया हो गया था आज फिर से अपने ब्लॉग के साथ। तो आज है संडे, ऑफिस से छुट्टी है, तो आज का जो काम है ना छोटा सा काम था वो कर लूँ। मैंने सोचा था वैसे एक वीडियो बनाऊंगा, जाऊंगा अपनी बाइक के ऊपर, एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे, लेकिन नहीं, आज एक काम आ गया वो करने वाले हैं। सो उस काम को फाइनल करते हैं और मज़ेदार काम है, मतलब कि जो बैटरी वाले स्कूटर चला रहे हैं ना उनके लिए बड़ा मज़ेदार काम है, चेक कराता हूँ। सो मेरे पास है अभी बैटरी वाला ज़ाइलो, अपना मतलब बैटरी वाला स्कूटर कह लो, नाम नूम तो इनके पता नहीं कितने बना रखे हैं, आगे ज़ाइलो लिखा हुआ है और इसका कुछ नाम है लेजेंडर नाम इसका रखा हुआ है। सो ये वाला मॉडल चेक कर लो, ये अभी थोड़े दिन पुराना ही है, तो इसके अंदर आज हम कुछ काम करने वाले हैं, तो एक बार चेक करा देता हूँ मैं। तो ये जो डिग्गी है ना, इसकी डिग्गी आज हम इसकी ब्लॉक करने वाले हैं। डिग्गी में क्या होगा कि हम उस साइड म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, इस साइड हमने स्पीकर लगाने की कोशिश करी है, फिटिंग कर दिया प्रॉपर। अब इसको जो है ना सिर्फ फिट करना है, उसके बाद यहाँ पे लगाना है हमने म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम चेक कराता हूँ मैं कौन से वाला हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। सो ये है, अभी हम मार्केट से लेके आए हैं, तो मतलब कोई इतना खास नहीं है, लेकिन अगर इसकी वाले बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 83 की जो है ना इसकी आईसी है, अगर मतलब किसी भी भाई ने लगाना है ना अपने स्कूटर के अंदर तो बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है। अपना ओला वाला काम आपका प्रॉपर करेगा। सो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिटिंग करते हैं, साउंड सुनाता हूं। सिंगल स्पीकर इसके ऊपर लगाएंगे, वैसे 8 इंच का स्पीकर भी इसके ऊपर चल जाता है। सो चलो फटाफट से फिटिंग करते हैं। तो मैं अब आप लोगों को कनेक्शन बताता हूँ, कनेक्शन क्या है। इसके नीचे जो है इसकी 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन है तो इसके अंदर 6-7 बैटरी हैं, लेकिन एक बैटरी का हमारा काम है सारा। इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ से इसके कनेक्शन डाउन जाएंगे और आपको बैटरी भी दिख जाएगी। यहाँ से एक बार इसको खोल लेते हैं। सो चेक करो, इसके नीचे जो है बैटरी है, ये चेक करो, इसकी 12 वोल्ट की बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये बैटरियाँ इसके अंदर लाइन में लगी हुई हैं और कम से कम 7-8 बैटरी हैं जो इस बाइक को प्रॉपर पावर दे रही है, जो मतलब इसकी जो रेंज है ना कम से कम जो है मतलब नाना करते करते 80-90 किलोमीटर की रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद। और इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस वगैरह भी हैं, चार्जर आपको बैटरी चार्जर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखो चार्जर लगाओ और अपना यहाँ पे इसका मेन स्विच मिल जाता है, इसी से आप सारा जो कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि इसमें जो डिग्गी वगैरह ओपन है सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। लेकिन अपना जो भी कंटेंट है वो है म्यूजिक सिस्टम का, इसको सारे को छोड़ते हैं, म्यूजिक सिस्टम को चेक करते हैं। सो ये अब इसके अंदर फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद इसकी मेन तार डालते हैं, जो माइनस प्लस की तार है उसको डालते हैं, फिर स्पीकर फिट करते हैं इसके अंदर। फिट करने के बाद इसका साउंड चेक करते हैं, बीटी से कनेक्ट हो जाएगा आराम से और चलाओ, जैसे ओला वाली फीलिंग आती है ना वही वाली मज़ा आएगा आप लोगों को प्रॉपर रोड के ऊपर। ये भाई किस चीज़ के आप कनेक्शन कर रहे हो सबसे पहले? सो ये स्पीकर की तारें हैं, ये यहाँ से स्पीकर है, हमने पीछे से इसकी तारें निकाली हुई हैं ये वाली, और ये जा रही है इसके सिस्टम में और यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब बचती है इसकी बारी मेन वायर की, तो मेन वायर को यहीं से हम निकालते हैं और यहाँ तक लेके आएंगे, उसके बाद जो इसके कनेक्शन करते हैं प्रॉपर, फिर साउंड चालू है। अभी हम बैटरी की तारें डाल रहे हैं गाइस। कनेक्शन हो चुके हैं, कनेक्शन वाला करने हैं, तारे वगैरह हमने सारी इसमें डाल दिए, तो मैं चेक कराता हूँ एक बार। सो ये सिस्टम आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इसकी स्पीकर की तार डाल दी और मेन कनेक्शन यहाँ पे अभी हमने ओपन छोड़े हुए हैं, यहाँ से हमने अंडरग्राउंड जो इसके अंदर तारे कर दी हैं। तारे डालने के बाद जो है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का हमेशा ध्यान रखना है। जो ये ब्लैक वाली है मैंने येलो में डाली है और रेड वाली रेड में डाली है। सो ये इधर है, देखो चेक कर सकते हो यहाँ पे बैटरी में प्लस और माइनस का जो है देख लेना है। सो मैं एक बार ऐसे आपको टच करके दिखा देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है और इसको कर देना है और आप चेक करो यहाँ पे सिस्टम ऑन है। सो यहाँ पे पेड भी हो गया, हमने कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ, NCS के गाने लगाएंगे ताकि अपना कॉपीराइट वाला कोई इशू ना आए। आपको मतलब छोटे से कनेक्शन है और इतना बड़ा काम है, मतलब ओला वाली जो है ना प्रॉपर फीलिंग आने वाली है। आप एक बार चलाएंगे और एक बार थोड़ा सा राउंड काटेंगे, कैसे इसकी पब्लिक रिएक्शन कैसा आने वाला है वो भी हमें। तो भाई चेक कर लो, हमने जो है इसके म्यूजिक सिस्टम हमने प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया और क्लियरिटी देख लो,
मतलब ये जो सिस्टम है ना, ये वाला स्पीकर है, जो ये स्पीकर हमने मार्केट से लिया है, ये स्पीकर होम थिएटर के अंदर जो हम लेफ्ट राइट वाला चलाते हैं वो वाला स्पीकर है 1.5 इंची का। और दूसरी साइड जो है अपना म्यूजिक सिस्टम जो हमने आफ्टर मार्केट लिया, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 250 रुपये या 300 रुपये मार्केट में रिटेल है, मार्केट में कहीं भी आपको 250 रुपये के नियर अबाउट मिल जाएगा। तो मतलब जो भी सिस्टम आपका, अगर आप नॉर्मल सिस्टम लगा रहे हो ना किसी भी बैटरी वाले स्कूटर के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च 150 रुपये का स्पीकर है और 250 रुपये का सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 400 से 500 रुपये का खर्चा आने वाला है और आपकी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम चालू हो जाएगा। सो मज़ेदार, कैसा लगा काम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बार मैं आपको राउंड काट के दिखाता हूँ और आवाज़ भी सुनाता हूँ कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत बेहतरीन आवाज़ है सिंगल स्पीकर के अंदर भी, अगर हम इसके अंदर डबल स्पीकर कर देना तो बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा, क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी और जितना बेटर स्पीकर लगा सकते हो उतना साउंड अच्छा आएगा। लेकिन अभी हमने नॉर्मल स्पीकर लगाया तो नॉर्मल साउंड आ रहा है। डन, तो चेक कराता हूँ एक बार मैं चालू करते हुए। तो चेक आप लोगों ने कर ही लिया, मतलब प्रॉपर डिग्गी हमने फिटिंग कर दिया। तो एक बार ये अगर यहाँ से बटन दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऑफ दबाओगे ऑफ हो जाएगा। हमने यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन करके बैटरी से इसके, डन। सो एक बार मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ इसके और साउंड सुनाता हूँ कैसा आ रहा। गाइस कैसा लगा आज का काम? संडे हमने मतलब आज संडे का काम पूरा प्रॉपर कर लिया, संडे बना लिया। सो आप लोगों को भी म्यूजिक सिस्टम बड़ा पसंद आया होगा। सो होप करता हूँ मज़ा आया, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों के पास कोई ओला स्कूटर के अलावा नॉर्मल स्कूटर है उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम कैसे फिट करना है। सो आप लोग ऐसे फिट कर सकते हो सिर्फ 250 से 300 रुपये के बीच में, मतलब 500 रुपये का टोटल खर्चा आ जाएगा। अगर मार्केट में कराने जाओगे ना तो लेबर वगैरह लगा के 500 रुपये का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर नॉर्मल आपका अगर खुद करते तो 250 रुपये 300 रुपये का खर्चा आ जाएगा। डन, तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, तबाही लेके। सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, थैंक यू सो मच।